ओके दोस्तों, तो अब लास्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, वो है ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा ढंग से देखो। ये हमारा पुराना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में कोई एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। ये है पॉइंट पी, ये हमारा पुराना ओरिजिन है 0,0। अब मैं ये वाला एक्सिस को, एक्स एक्सिस को ट्रांसलेट कर रहा हूं उसके पैरेलल, समथिंग लाइक दिस, और ये नया वाला एक्सिस जो है, ठीक है, उसको हम कैपिटल एक्स बोलेंगे और y एक्सिस को भी इसके पैरेलली ट्रांसलेट कर रहा हूं। ठीक है, और ये जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कैपिटल x कॉमा कैपिटल y। अच्छा दोस्तों ध्यान देना, ये न्यू ओरिजिन है, दिस इज द न्यू ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल सिस्टम इज, ओरिजिनली जो पॉइंट था एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, उसको अब मैं अपना नया ओरिजिन माना और बिना दोनों एक्सिस का ओरिएंटेशन बदले उनको मैंने पैरेलली शिफ्ट कर डाला इस तरीके से। ओके, सो नाउ ध्यान देना, तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, कैपिटल एक्स जो होगा दैट विल बी एक्स माइनस एक्स नॉट, और कैपिटल वाई जो होगा दैट विल बी सिंपली वाई माइनस वाई नॉट। आई थिंक दैट इज ऑब्वियस। दोस्तों ध्यान देना, यहां से दूरी कैपिटल एक्स है, यहां से दूरी स्मॉल एक्स है, बट ये वाला पॉइंट एक्स नॉट है तो ये वाला दूरी एक्स नॉट है। So x naught plus capital X must be equals to small x. So capital X is x minus x naught. And similar logic, capital Y equals to y minus y naught. Now that's the obvious thing. And this is called the translation of coordinate axis. ठीक है? बस जो पुराना point का coordinates था, उसमें से जो नया origin है, उसका पुराना coordinate को subtract करो, तो हमारे पास इस तरीके से क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, x माइनस एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट। ओके, सिंपल। अगला जो है वो है रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, नाउ यहां पर क्या है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है। अब मैं बिना ओरिजिन को बदले दोनों को मैं थीटा से रोटेट करवा दे रहा हूं इन द
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स डैश और वाई डैश। तो कोई अगर एक पॉइंट था पी, पहले था ये कैपिटल एक्स सॉरी एक्स वाई और अब बन गया एक्स डैश वाई डैश। तो अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने का कोशिश करते हैं। ओके सो थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा पुराना x और y। सो नया x जो है वो पुराना x के साथ थीटा एंगल बनाता है। ना दोस्तों x एक्सिस अगर थीटा एंगल से बेंड हुआ है क्योंकि x और y परपेंडिकुलर है तो मेरा y एक्सिस जो होगा वो भी ऑटोमेटिकली थीटा एंगल से ही अपना पुराने पोजीशन के रेस्पेक्ट में बेंड हो जाएगा। सो दोस्तों ये है हमारा पॉइंट P। नाउ इफ वी सी ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ये जो हाइट होगा दैट इज y डैश और ऑब्वियस सी बात है दिस विल बी x डैश। ये अगर y डैश है तो ये अगर x डैश है तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये o, यहां पर p है इसको मैं r बोल देता हूं। अगर पी आर एक्स डैश है तो ओ क्यू भी ऑटोमेटिकली एक्स डैश है। मैं एक्स डैश और वाई डैश को निकालना चाहूंगा पुराना एक्स और वाई के टर्म्स में। लेट्स सी। अच्छा मैं पुराना अगर पॉइंट के बारे में कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देखूं तो मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है सो दोस्तों ये वाला पॉइंट को अगर मैं एस बोलता हूं OS मेरा X है और PS मेरा Y है। ओके समझ में आया। राइट अच्छा ये वाला एंगल थीटा है मैं और एक नाम दे देता हूं T। सो ये अगर मेरा X है सो ST अपॉन ओ एस दैट इज एक्स दैट इज टेन थीटा। तो एस टी का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी एक्स टेन थीटा। ये हमारा एस टी का वैल्यू है। सो पी टी का जो वैल्यू आएगा पी टी कितना आ जाएगा मेरे पास ध्यान देना दैट विल बी नथिंग बट वाई माइनस एस टी दैट इज वाई माइनस एक्स टेन थीटा। ये मेरा पीटी का वैल्यू है ना दोस्तों। ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा है। सो ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल भी हमारे पास थीटा आएगा। नाउ दिस इज 90 दोस्तों ये हमारा y डैश है। सो इट इज क्लियरली एविडेंट दैट y डैश विल बी इक्वल्स टू pt into cos थीटा। ये 90 है ये थीटा है ट्राइंगल ptq के बारे में अगर हम देखेंगे y डैश विल बी pt cos थीटा। तो y डैश का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली y cos थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ये हमारा नया वाई डैश का वैल्यू है। एंड रिगार्डिंग द एक्स डैश का वैल्यू देख लो
सुनो, ओटी क्या होगा? अच्छा, ओटी में लिख सकता हूं डेफिनेटली एक्स sec थीटा, राइट? ये एक्स sec थीटा लिख सकता हूं। और टी क्यू के बारे में अगर हम देखें, अच्छा टी क्यू में क्या लिख सकता हूं? ये हमारा टी क्यू है, ये हमारा पीटी है, दैट इज पीटी इंटू साइन थीटा, राइट? सो ओ क्यू दैट इज एक्स डैश इज ओ टी प्लस टी क्यू। सो दोस्तों एक्स डैश विल बी एक्स sec थीटा प्लस पीटी साइन थीटा माइनस एक्स टेन इंटू साइन, उसको मैं साइन स्क्वायर बाय कॉस लिख सकता हूं। नाउ एक्स बाय कॉस कॉमन लूंगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर आएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और कॉस कटेगा तो एक्स डैश मेरे पास सिंपली आ जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस में ये हमारा एक्स डैश और y डैश का वैल्यू आएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक दो जगहों पे जरूरत पड़ती है तो मैंने करवा दिया यहां पर। अच्छा, इसके अलावा और एक छोटी सी चीज है, जल्दी से कर लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, समझ में आया? ये x है, ये y है, ठीक है। यहां पर एक जनरल पॉइंट है p, जो है हमारा x कॉमा y। ये वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का और एक तरीका बता दे रहा हूं, वो क्या है? ये जो ओरिजिन ओ है उसको पी के साथ जोड़ो, ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे आर, और ये जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। इस तरीके से मेजर्ड है एंटी क्लॉकवाइज। थीटा जो होगा दैट बिलोंग्स टू जीरो टू टू पाई, ठीक है। हम हमेशा ऐसे मेजर्ड करेंगे, और ये जो मेजर्ड होता है वो हमारा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, समझ में? अच्छा, कुछ लोग थीटा को माइनस पाई से पाई भी लेते हैं, दैट्स अलाउड, यानी वो आधे में क्लॉकवाइज घूमता है, आधे में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बाय द वे, थीटा कैन ऑल्सो लाई बिटवीन माइनस पाई टू पाई, that's completely allowed, doesn't matter. Negative angle मतलब clockwise जा रहा है वो, इस तरीके से, that really doesn't matter. तो 0 to 90 होगा तो first quadrant, 90 to 180 होगा तो second quadrant, 0 to minus 90 होगा तो third, fourth quadrant, और minus 90 to minus 180 that is a fourth quadrant, third quadrant. तो इस तरीके से हम पॉइंट को जो है वो आर और थीटा के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आर थीटा को हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बोलते हैं। जहां पर ध्यान देना, ये हमारा, ठीक है। So, दोस्तों ये हमारा y है, ये हमारा x है, तो r का जो वैल्यू है दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड tan थीटा इक्वल्स टू y बाई x। ये दो रिलेशन में लिख सकता हूं, यहां से tan थीटा आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू क्या है उसके ऊपर बेस करते हुए, और r जो है वो हम निकाल सकते हैं
simply that is under root x square comma y square. And if we see that y is equals to nothing but r sine theta and x is equals to r cos theta, r theta is called polar coordinate system. R theta को हम बोलते हैं polar coordinate system. तो दोस्तों हमने straight line और coordinate geometry के जितने भी requirements थे वो सारे के सारे यहां पर खत्म कर लिए हैं. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ज्यादा दिमाग की दही नहीं करना है, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे काम में आता है. तो एक बार बेसिक बात समझ लो, आगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम प्रैक्टिस के थ्रू उसको हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे. एनी हाउ मैथ्स में भी वापस पढ़ने वाले हो, ठीक है. जितने भी स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिक्वायरमेंट है वो मैंने पूरा पढ़ा दिया हूं. प्रैक्टिस करने की यहाँ पे कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हमें फॉर्मूला जो है वो याद होनी चाहिए. तो दोस्तों मैथमेटिकल टूल्स का पहला चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्पेशली द स्ट्रेट लाइन. बाकी टॉपिक्स भी इसी तरीके से हम धीरे धीरे करेंगे. थैंक यू.